शुक्रिया। मतलब आप लोगों का इतना जो उन्माद और इतनी खुशी देख रही हूँ उससे तो मेरा दिल घबरा रहा है, बड़ा डर लग रहा है यार आप लोग से। जौनपुर में सस्पेंडेड आईएएस अभिषेक सिंह ने 3 दिवसीय गणपति उत्सव का आयोजन शुरू कराया था। इसमें दूसरे दिन भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह आई थी। पब्लिक डिमांड पर उनके गाना गाते ही पंडाल में बवाल हो गया। एक सर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब आप लोगों का इतना जो उन्माद और इतनी खुशी देख रही हूँ उससे तो मेरा दिल घबरा रहा है, बड़ा डर लग रहा है यार आप लोग से। जैसे ही अक्षरा सिंह ने मशहूर गाना जान मारे लहंगाई लखनऊआ गाना शुरू किया, पंडाल में कुर्सियां चलनी शुरू हो गई। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए तैनात 300 से अधिक बाउंसर और 3 थानों की पुलिस फोर्स भी कुछ नहीं कर सकी। नतीजतन आखिर में अक्षरा सिंह का स्टेज शो रोकना पड़ा। वहीं जब कार्यक्रम में मचे बवाल पर अभिषेक सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने ऐसे किसी गीत की प्रस्तुति से ही इनकार कर दिया और इस फूहड़ता को संगीत संध्या बता दिया। हालांकि कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं और अन्य लोगों के साथ हुई अभद्रता को लेकर उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पहली चीज तो किसी भी तरीके की फूहड़ता और अश्लील गाने नहीं है, ऐसा गाना नहीं तो वहां से बजा। और ये जो गणपति महोत्सव है महाराष्ट्र की परंपरा है। महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो सब लोग मिलजुल करके 10-11 दिन गणपति महोत्सव मनाते हैं, उसमें भजन पूजन भी होता है और इस तरह की संगीत संध्या भी होती है। अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, पर ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा कहीं हुआ है क्योंकि इस तरीके की कोई शिकायत नहीं आई है कहीं से भी। गणेश उत्सव के इस आयोजन में अभिषेक सिंह की तरफ से कई बड़ी हस्तियों को न्योता भेजा गया था जिसमें बड़े बड़े फिल्म स्टार से लेकर राजनीति जगत की हस्तियां शामिल हैं। यहां तक कि अभिषेक सिंह जिन्हें आईएएस के पद से योगी सरकार ने बर्खास्त किया था, उनके इस आयोजन के आखिरी दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी शिरकत की। सब लोगों ने बहुत भक्ति भाव के साथ इस आयोजन में सम्मिलित होकर अपनी आस्था का, जो हमारी धार्मिक आस्था उसके प्रति हम सब लोगों ने अपना समर्पण व्यक्त किया है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजक अभिषेक सिंह जी और उनके परिवार को इस सफल आयोजन की शुभकामनाएं देता हूं और भविष्य में वो समाज के समर्पित इन सारे विषयों को निरंतर करते रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। सस्पेंड आईएएस के कार्यक्रम में सत्तारूढ़ दल के प्रदेश अध्यक्ष के पहुंचने के बाद इस चर्चा ने गति पकड़ ली है कि अभिषेक सिंह 2024 से पहले सियासी जमीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। जब अभिषेक सिंह से इस बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए क्या जवाब दिया वो भी सुनिए। चंद लाइनें हैं, हानि लाभ जीवन मरण, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, विधि का विधान है। मैं कह तो रहा हूँ हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आपको बता दें कि 2011 बैच के आईएएस अभिषेक सिंह को लंबे समय से बिना सूचना दिए गायब रहने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। इससे पहले उन्हें गुजरात चुनाव में सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करने पर वो प्रेक्षक पद से हटाए गए थे।